हे गाइस, वेलकम टू रिसर्च पॉइंट. माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आईएस की करेंट अफेयर्स. ये आपकी अक्टूबर मंथ की करेंट अफेयर्स है, और यहाँ पे मैं आपका जो मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, मींस जो आपका क्विक रिवीजन वाले टॉपिक होते हैं, वो सारे टॉपिक को मैं डील करूँगी जो कि एट द एंड ऑफ दिस मैगजीन में आपके प्रेजेंट होती है. अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो मुझे अन अकेडमी में फॉलो कर सकते हो ऋषिका के नाम से. तो यानी आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और या फिर मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना. साथ ही आप मुझे जो अगर आप 64th BPSC प्रीलिम्स में अटेम्प्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे वेरियस प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो. साथ में जो भी मैं टॉपिक डील करती हूँ उससे रिलेटेड आपको NCERTs के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं सॉल्व कराती हूँ डिफरेंट लैंग्वेज में. तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है, आपको जो भी क्वेरीज है, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये शॉर्ट न्यूज़ रही आपकी, ओके, जो आपके वीज़ एंड आईएस के करेंट अफेयर्स के जो मैगजीन में एंड में रहती है. ओके, तो यहाँ है आपका कैपएम अवार्ड, CAPAM अवार्ड. तो ये रिसेंटली क्या था, कॉमनवेल्थ एसोसिएशंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड मैनेजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं कैपएम अवार्ड. ओके, ये अनाउंस्ड किया गया. तो अवार्ड कैटेगरी देखते हैं. पहला है इनोवेशन इंक्यूबेशन, मींस उन्नयन बैंक जो कि बिहार में है आपका, उसको मिला है इनोवेशन इंक्यूबेशन में. इसका एम है कि ये प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए, और ये आपका इंटीग्रेशन दिखेगा इसमें टेक्नोलॉजी के साथ, और ये फोकस करती है जिसमें कि आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया जाता है, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अकाउंटेबिलिटी देखने को भी मिलेगी. ओके, तो ये उन्नयन बैंक जो है ये बिहार की है, जिसको आपको इनोवेशंस इंक्यूबेशन में मिला है. और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इसमें आपको 5000 स्कूल्स जो है इंक्लूडेड है, और ये अंडर आपके किसके, उन्नत भारत अभियान के. गोल्ड मेडल विनर और इनोवेशन इन पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट जो कि आपका कर्नाटका का है, उसको राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मिला है. ये एक PPP इनिशिएटिव है जो कि डिज़ाइन किया गया है वन स्टेट वन मार्केट के जैसा, और इसमें आपको यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म दिखेगा, मीन्स पूरे कंट्री पूरे स्टेट की सिर्फ एक ही मार्केट है. ओके, ये आपका शो करता है वन नेशन वन मार्केट. तो ये कहाँ की है, ये कर्नाटका मॉडल है. ओके, नेक्स्ट है कैपम इज ए, ये आपका क्या है, नॉन प्रॉफिट और एसोसिएशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल नेटवर्क आपका 1100 सीनियर पब्लिक सर्वेंट्स में, गवर्नमेंट के हेड्स पे, और ये आपका एकेडमिक्स और रिसर्च जो है उसको लीड करती है 50 डिफरेंट कंट्रीज़ में. ओके, सो ये आपका किस कंट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस जो कि आपका कैपम का इंस्टीट्यूशनल मेम्बर है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2018. तो यहाँ पे है कि ये एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग ESIC भी कहते हैं, ये अवार्ड किया गया है किससे, ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2018 रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम जो कि आपका एशिया और पैसिफिक का है. तो ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये अवार्ड आपका ESIC को दिया गया है. ये जो है अवार्डेड किया गया है जिसमें कि मेजर्स जो है वो ली गई है स्प्री स्कीम्स फॉर मॉनिटरिंग प्रोमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़. इसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन का रेट है वो भी रिड्यूस हुआ है, 24 मंथ्स अभी देखने को मिल रहा है जो कि इम्प्लीमेंटिंग एरिया है. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. तो रिसेंटली इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है आपका हाइएस्ट नंबर वोट से जनरल असेंबली के द्वारा, किसमें, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में. ये आपका एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन का देखने को मिलता है, जो प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को पूरे वर्ल्ड में. और ये आपका सक्सेसर है एक यूनाइटेड नेशन कमीशन का जो कि ह्यूमन राइट्स में है, उस बॉडी का ये सक्सेशन है. ओके, तो जो मेंबर्स है वो आपका बेयर्ड है कि ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं एक मोर देन टू कंसेक्यूटिव सीट्स जो है 3 ईयर्स के लिए. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट से ये जीती है. नेक्स्ट है साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क. यूनियन मिनिस्ट्री जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के है, उन्होंने लॉन्च किया है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसको ISP भी कहते हैं, गेटवे किसके लिए, शेयर्न के लिए, जो कि डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. ओके, ये सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि आपको मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है एक्सेस करने को मिलेगी. ये लॉन्च किया गया था आपका WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के मेंबर के द्वारा, और इसमें आपका इन्हांस होगा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जिसमें कि कोलैबोरेट और कन्वर्ज किए जाएंगे मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट है सॉवरेन ब्लू बॉन्ड. गोल्ड बॉन्ड तो हम लोग सुने थे, ये है सॉवरेन ब्लू बॉन्ड. तो रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ सिचिलीज ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड. अब ब्लू से आप समझ सकते हो कि ब्लू
ऑब्वियस है कि ओशन से रिलेटेड होगा, सी से रिलेटेड होगा। जो बॉन्ड और प्रोग्राम है ये मैरिन एक्टिविटीज़ के लिए है और ये डेवलप किया गया है वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट के द्वारा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये आपका प्रोजेक्ट का पार्ट है और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है साउथ वेस्ट इंडियन ओशंस फिशरीज गवर्नेंस और शेयर्ड ग्रोथ प्रोग्राम को हेल्प कर रही है। ब्लू बॉन्ड जो है ये आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका गवर्नमेंट के द्वारा इशूड किया जाएगा, और ये डेवलपमेंट बैंक भी इसको इशू कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है कैपिटल रेज हो सकता है इम्पैक्ट, और ये इम्पैक्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स को जिसके थ्रू जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं मैराइन और ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट को। ओके, तो ये आपका इंस्पायर्ड है किससे? ग्रीन बॉन्ड से जो कि इन्वायरमेंट के लिए था, ब्लू बॉन्ड आपका ओशन के लिए है, गोल्ड बॉन्ड आपका ज्वेलरी के लिए दिखेगा। ओके, गवर्नमेंट ई पेमेंट एडॉप्शन बैंकिंग, इंडिया जो है ओवरऑल रैंकिंग इसका है गवर्नमेंट एडॉप्शन ऑफ ई पेमेंट जो है वो अभी थोड़ा सा मूव अप हुआ है, 28th पोजीशन में आया है 2018 में, जो कि आपका 2011 में 36th पोजीशन में था। तो ये अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ई पेमेंट एडॉप्शन रैंकिंग के द्वारा ये दिया गया है जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको निकालती है। इसको गियर भी कहते हैं। गियर जो है एक ग्लोबल इंडेक्स है जो कि चेक करता है कि गवर्नमेंट कितना वर्ल्ड वाइड जो है वो डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इंडिया जो है, इंडिया का प्रपोजल है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि वो एग्री करे और सेलिब्रेट करे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में। ओके, तो 2018 जो है वो सेलिब्रेट हो चुका है नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को, लेकिन 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा। तो मिलेट्स एक स्मॉल सीडेड हार्डी क्रॉप्स है। ओके, ये स्मॉल छोटे छोटे बीज के होते हैं ये आपके, तो ये आपको छोटे छोटे बीज के दिखेंगे जिसमें कि ये क्या होता है ना कि ये जब ग्रो होते हैं तो ये ड्राई लैंड एरिया में होते हैं और इसकी जो कंडीशन होती है वो सॉइल को फर्टाइल करने की होती है। तो इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का। ओके, ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसको हम लोग कोर्स ग्रेन भी कहते हैं क्योंकि इसके न्यूट्रिशन कॉन्ट्रीब्यूशन से जो है इसको हम लोग रेफ़र किए हैं न्यूट्रिया मिलेट्स के नाम से। नेक्स्ट है ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश की जाती है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ये रिपोर्ट जो है ऑब्जर्व करता है एक डिकेड में, मीन्स फिनेंशियल क्राइसिस के डिकेड में देखता है कि बैंकिंग सिस्टम जो है कैसे स्ट्रांग हो रही है और वो कैसे काम कर रही है। ओके, IMF जो है वो अभी रिड्यूस किया है जिसमें वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन कर रहे हैं ग्लोबल इकॉनमी को 3.7% से इस साल, और वो नेक्स्ट ईयर जो है वो थोड़ा डाउन करेंगे 0.2% से। नेक्स्ट है UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। रिसेंटली इन्वेस्ट इंडिया जो है अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड से। ये जो आपका ये अवार्ड है ये आपका एनुअल अवार्ड है जो कि दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, 2002 से अंगटाट के द्वारा दिया जाता है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को ऑनर किया जाता है। ओके, जितने भी एजेंसीज होते हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अंदर उनको ऑनर किया जाता है। अब देखते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट कैसा है। तो ये आपका एक इंडियाज़ का इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस एंड फैसिलिटी एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया जो है वो आपका इंडिया का एक प्रमोशन और फैसिलिटी एजेंसी है जो कि आपका इस्टेब्लिश हुआ था एज ए नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के द्वारा की जैसा। ओके, और ये आपका वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर में। ये फोकस करता है आपका सेंटर स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग टारगेटिंग पे, जो कि डेवलप करता है एक न्यू पार्टनरशिप जिसके द्वारा सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो अनेबल होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड। सिक्किम जो है वो वॉन की है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका एक सिक्किम जो है वर्ल्ड का पहला टोटली ऑर्गेनिक कल्चरल एग्रीकल्चरल स्टेट बन गया है। ये फर्स्ट अवार्ड है जो कि सेलिब्रेट कर रहा है पॉलिसीज रैदर दैन पीपल। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ये क्रिएट किया है जिसमें कि आपके बेटर लिविंग कंडीशंस जो है अब आपको करेंट में और फ्यूचर को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है अक्टूबर में, उसको देख लेते हैं। पहला है IBSA MAR, ये आपका जॉइंट मल्टी नेशनल मैरी टाइम एक्सरसाइज है इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीकन नेवीज़ के बीच में। ओके, तो इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, इसलिए IBSA है मैरी टाइम एक्सरसाइज। GMAX 18 हुआ है जो कि आपका बाईलेटरल मैरी टाइम एक्सरसाइज है, ये इंडिया और जापान के बीच में देखने को मिलेगा और ये आपका हुआ था विशाखापट्टनम में। ये कंक्लूडेड हुआ था आपका 5 ईयर्स के बाद और ये जो है कंप्राइजेज है हार्बर फेसेस में जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस दिखेगा। तीसरा है सहयोग हॉप TAC 2018,
ये जो है आपका मिड एंड जॉइंट एक्सरसाइज है, ये आपको कोस्ट गार्ड इंडिया और वियतनाम के दिखेंगे, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में हुआ था, चेन्नई कोस्ट में। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन समुद्र मैत्री, जो कि यहाँ पे आपके जो भी अर्थक्वैक के सर्वाइवर थे उनको बचाने के लिए और सुनामी से बचाने के लिए सेंट्रल सुलावेसी प्रोविंस में, जो कि आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। तो ये जो ऑपरेशन है ये आपका इंक्लूड है बोथ एयर और नेवल असिस्टेंस में, मीन्स ये हवा हवा में मीन्स एयर और नेवल दोनों मदद देगी। तो ये जो ऑपरेशन समुद्र मैत्री था ये इंडोनेशिया में देखा गया। नेक्स्ट है मिसाइल प्रहार। तो इंडिया रिसेंटली जो है सक्सेसफुली वो टेस्ट फायर्ड की है मिसाइल कौन सी प्रहार, जो कि उड़ीसा कोस्ट में देखने को मिला। ये आपका सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि DRDO के द्वारा आपका डेवलप किया गया है, और इसकी जो स्ट्राइकिंग रेंज है मीन्स कहाँ तक ये भाग सकता है, तो ये 150 किलोमीटर तक भाग सकता है। ये आपका वॉरहेड कैरी कर सकता है अप टू 200 kg तक, और ये यूज़ होगा आपका सॉलिड प्रोपेलेंट में। नेक्स्ट है स्ट्रैपको 2018 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटस और प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ के ऊपर, तो इसका फुल फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ 2018 जो है अभी रिसेंटली हुआ है बगारम कोरल आइलैंड, जो कि आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेंगे, और इसकी थीम थी रीफ रील फॉर लाइफ, रीफ फॉर लाइफ। ओके ये आपका हर 10 साल में एक बार होता है, जो कि आपका फाउंडेशन किया गया है स्टैप बोर्ड के द्वारा 1998 में, जब हेवी ब्लीचिंग देखने को मिला था मीन्स कोरल ब्लीचिंग देखने को मिला था। तो ये क्या होता है, कोरल्स जो है हमारे वाटर ओशन के अंदर एक ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलेंगे, जो डेड प्लांट्स और पॉलिप से बने होते हैं, ओके स्केलेटन से बने होते हैं। तो इन ये कोरल ब्लीचिंग होता है, कोरल ब्लीचिंग कहने का मतलब जो आपके कोरल्स होते हैं वो बहुत ही मल्टी कलर्स होते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो जब कोरल ब्लीचिंग होता है तो उस समय जो है आपकी जो कोरल्स की जो कलर है वो ख़त्म हो जाती है, और कोरल जो है अल्टीमेटली डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो कोरल में आपको कलर देखने को मिलती है ये कलर आपका एल्गी के प्रेजेंट से आता है। ओके तो कोरल इज़ नथिंग विदाउट अल्गी, अगर अल्गी मर जाता है ज़्यादा, अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी मर जाता है, तो उस तरीके से आपका कोरल ब्लीचिंग होता है। तो अल्गी अगर डेड कर गया तो यानी कोरल आपका डेड कर जाता है। ओके तो अगर अदर्स प्रोमिनेंट डेवलपमेंट देखें तो ईयर 2018 में जो है वो ये थर्ड डिकेडल इंटरनेशनल ईयर ऑफ रीफ भी यहाँ पे आकर डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट है नेचुरल कंजर्वेशन जोन। रिसेंटली NGT ने डिज़ाइन किया है एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, जो कि आपका नोडल एजेंसी होगा, और ये काम करेगा आपका सब रीजनल प्लान सीट्स में स्टेट्स में, जहाँ की प्रोटेक्ट किया जाएगा नेचुरल कंजर्वेशन जोन और रीजनल प्लान बाई नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग के द्वारा। ओके तो नेशनल कंजर्वेशन जोन है क्या, ये आपका ईयर मार्क्ड कंजर्वेशन है, जिसमें कि आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो अलाउड होगा सिर्फ 0.5% उस जोन में, और यहाँ पे आपका रीजनल जो है रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ चलेगी, जहाँ पे आपका रीजनल पार्क्स हो गए, जो सेंचुरीज है, कंस्ट्रक्शन जो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल टूरिज्म के लिए, यहाँ पे आपका स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाएगा। रीजनल प्लान जो 2021 का था, 2021 का है, वहाँ पे आपका दिल्ली NCR इंक्लूड है, साथ ही जो अरावली रेंज है आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं ये भी इंक्लूड है। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोर्सिया। रिसेंटली डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको DGCA भी कहते हैं, ये अभी एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू की है एरोप्लेन ऑपरेटर्स जो कि फ्लाई करते हैं इंटरनेशनल रूट्स के लिए, और यहाँ इंप्लीमेंट होगा आपका कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन स्कीम्स फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ओके तो ये कोर्सिया का फुल फॉर्म है कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। सो कोर्सिया एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका रिजॉल्व करता है ग्लोबल मार्केट बेस्ड मेजर्स को, जिसमें कि आपका जो CO2 का इमिशन जो बढ़ते जा रहा है उसको भी एड्रेस करता है। नेक्स्ट है फायर क्रैकर्स डेवलप बाय CSIR। CSIR जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है, जिसके थ्रू लेस पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स होंगे, मीन्स इस फायर क्रैकर से आपका जो पॉल्यूशन बढ़ता है वो कम हो जाएगा, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्रैकर्स होंगे, और ये आपका प्लस 50-20% चीपर होगा जो आपका एज़ यूजुअल क्रैकर्स आपका मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये जो क्रैकर्स होंगे इसका आपका नाम रखा गया है सेफ वाटर रिलीजर, मीन्स स्वास सेफ वाटर रिलीजर, और सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम यानी सफल, और सेफ थर्माइट क्रैकर यानी स्टार। तो स्वास सफल और स्टार ये तीन तरीके का आपका क्रैकर्स देखने को मिलेंगे। ओके नेक्स्ट है चाइनाज आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट।
चाइना जो है वो प्लान कर रही है कि वो आर्टिफिशियल मून लॉन्च करेगी 2020 तक, जिसमें कि रिप्लेस होगा स्ट्रीट लैंप्स और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी अर्बन एरियाज़ में कम होगी। ये आपका जो भी इमिटेशन सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो आपका एलिमिनेट करेगा सेटेलाइट से, और वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, सनलाइट को रात में। ओके, तो ये जो है आपका ऑर्बिट करेगा अराउंड 500 किलोमीटर अराउंड द अर्थ दिखेगा, और अगर हम लोग सन की बात करें तो सन जो है 380,000 किलोमीटर में आपकी मूव करती है। ये जो है आपका 8 times ब्राइटर होगा अर्थ के मून से। ये जो सैटेलाइट है ये ब्राइटनेस और ये सर्विस जो टाइम होगा ये दोनों एडजस्टेबल होगा। ओके, चाइना जो है ये नॉट द फर्स्ट कंट्री जो ऐसा बीमिंग सनलाइट जो है वो ट्राई कर रहा है। 1990 में रशिया के साइंटिस्ट भी ऐसे ट्राई कर चुके हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि चाइना ऐसा फर्स्ट कंट्री, तो चाइना फर्स्ट कंट्री नहीं है, इससे पहले चाइना भी रशिया भी ऐसा ट्राई कर चुका है। नेक्स्ट है इबुकी सेकेंड। तो रिसेंटली जापान ने लॉन्च किया है ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, जिसका नाम रखा है इबुकी सेकेंड। ओके, ये सेटेलाइट जो है डिज़ाइन किया गया है जो कि गैदर करेगा डेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के डेंसिटी का। जापान जो है वो और भी लॉन्च कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का फर्स्ट लोकली मेड सेटेलाइट, जिसका नाम है खलीफा सेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। ओके, तो ये आपका कर रही है जापान यूएई के लिए। फॉल आर्मी वॉर्म पेस्ट इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो फॉल आर्मी वॉर्म है FAW, वो अभी रिसेंटली रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो उनकी ऑकरेंस है वो फॉल डाउन हो गई है कर्नाटका रीजन में, और ऑल्सो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में। ओके, नेक्स्ट है ओनीर। काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि CSIR आपको IITR का देखने को मिलेगा लखनऊ, ये एक डेवलप की है इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम, और आपको ट्रेड नेम ओनीर मिलेगा, जिसमें कि आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इन्फेक्टेड नहीं, डिसइन्फेक्शन सिस्टम के साथ मिलेगा। नेक्स्ट है अस्ताना डिक्लेरेशन। तो अस्ताना डिक्लेरेशन है क्या? रिसेंटली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि यूनिसेफ के द्वारा किया गया था और WHO के द्वारा किया गया था, ये अभी कंक्लूड हुआ है अस्ताना डिक्लेरेशन के द्वारा कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। यहाँ पे आपकी 192 मेंबर्स कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूड है, ये अस्ताना डिक्लेरेशन को साइन की है। तो ये आपका ग्लोबल कमिटमेंट है, जिसमें कि प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने की बात की है। ये डिक्लेरेशन जो है आपका हिस्टोरिक है 1978 से। ओके, नेक्स्ट है टाइम बैंक मॉडल फॉर एल्डरली। रिसेंटली जो है एक एक्सपर्ट पैनल ने एल्डर पीपल्स, जो बूढ़े लोग होते हैं, उसके उनके लिए NHRC के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया है कि इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए टाइम बैंक मॉडल, जो कि स्विट्ज़रलैंड की जैसा होगा। तो इस टाइम बैंक स्कीम में क्या होगा कि सेविंग करता है मनी जो कि पीपल्स का होता है सेव टाइम में, तो वॉलेंटियर्स जो है वो टेक केयर करेंगे एडल्टी पीपल का, जो कि जब भी हेल्प चाहेंगे और जितने आवर्स के लिए हेल्प चाहेंगे उनको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे टाइम बैंक होगा, मीन्स जो बूढ़े लोग होती है उनकी सहायता करने के लिए अगर लोगों की ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको वॉलेंटियर्स दिए जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ आवर्स जो है यहाँ पे आपका फिक्स होगा कितने आवर्स के लिए देना है, तो ये बूढ़े लोग के लिए एक अच्छा, आप देख सकते हो ओल्ड एज पीपल्स के लिए एक अच्छा आपका इनिशिएटिव है। नोबेल पीस प्राइज़ 2018, नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया गया है डेनिस मुखवेज और नाडिया मुराद को, उनके एफर्ट्स के लिए कि वो सेक्सुअल वायलेंस को एंड करें। ओके, तो डेनिस मुराद को मिला गया है क्योंकि ये डॉक्टर मिराकल के नाम से जाने जाते हैं, और ये एक आपके कॉन्गोलिस्ट डॉक्टर है जिन्होंने अपने स्टाफ के साथ एक थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को ट्रीट किया है जो कि सेक्सुअल असॉल्ट से विक्टिम्स पाए जा रहे थे। ओके, नादिया मुराद को इसलिए मिला है क्योंकि एक ह्यूमन राइट कंपेंज ने उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 3000 याजिदीज जो गर्ल्स थी और विमेन थी वो विक्टिम हैं, और उनके साथ रेप हुआ था और उनको अब्यूज़, सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था, तो उसमें ये भी शामिल थी, लेकिन ये वहाँ से बच कर निकल गई थी और आगे आके ये उनके अगेंस्ट में लड़ रही है और अभी फ़ाइट कर रही है। तो वो अपने लोगों के लिए भी फ़ाइट कर रही है। वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स और यहूदियों ने गर्ल्स और वीमेन को वहाँ पकड़ के उनके साथ जो है सेक्सुअली असॉल्ट और सेक्सुअली हरास किया था उन्हें, तो उनके लिए फ़ाइट करने के लिए नादिया मुराद को ये पीस प्राइज़ दिया गया है। सियोल पीस प्राइज़ 2018, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी सियोल पीस प्राइज़ 2018 दिया गया है। तो ये सियोल पीस प्राइज़ है क्या? ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1990 में, जो कि कॉमरेट करता है कि 24th ओलंपिक गेम्स में जो कि सियोल में हुआ था उसमें सक्सेस के लिए। ओके, सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्विक रिविजन्स टॉपिक।
So if you like this video, then please like, share, and don't forget to subscribe my channel. And if you have any kinds of doubt, you can ask me on comment section. Thank you.